नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैंने अपनी वीडियो लुप्त हो रही कला से सजाए गार्डन में आपको अपने रूफटॉप गार्डन का मेकओवर दिखाया था, जिसे मैंने राजस्थानी शैली में सजाया है। हमारे रूफटॉप गार्डन में एक छोटी सी किचन भी है, जिसमें सभी पुरानी चीज़ों के साथ साथ चूल्हा भी है। सर्दियों में हम अपने परिजनों के साथ लंच में चूल्हे की रोटी का आनंद लेते हैं। लंच में इसलिए कि सभी लोग प्रकृति के बीच बैठकर भोजन का आनंद ले सकें, सुकून पा सकें और मानव जीवन में प्रकृति के महत्व को समझ सकें। नया साल आने वाला है, आप भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी अपने रूफटॉप गार्डन में लंच पार्टी के लिए कुछ तैयारियां कर रही हूँ। मैं अपने सेलिब्रेशन में राजस्थानी थीम रख रही हूँ, जिसके लिए मैं कुछ पुराने सामान को रीयूज़ करके कुछ नया बनाऊंगी, जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इतनी सारी टंकियाँ देखकर आप सोच रहे होंगे कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन में इन टंकियों का क्या काम है। एक्चुअली ये टंकियाँ हमारे गर्मियों में काम आती है, क्योंकि राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है तो पानी की कमी होने के कारण हम इन टंकियों में पानी स्टोर करके रखते हैं। अपनी पार्टी में राजस्थानी लुक देने के लिए ये चुंदरी और डेरिये से इनको डेकोरेट करूंगी। ये बाहर से डेकोरेट होंगी, जिससे कि गर्मी में ये पानी स्टोर करने के भी काम आ सकें और कहीं रखे जाने पर देखने में भी सुंदर लगें। मैं इन टंकियों से स्टूल बनाने जा रही हूँ, जिस पे हम बैठ भी सकते हैं और खाना खाने के लिए टेबल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इन टंकियों को तैयार करने के लिए मैंने कुछ सामान निकाला है। ये एक लहरिए की साड़ी है, जो कुछ जगह से कट गई है, और ये एक चुंदरी का साफा है, और ये कुछ पैकिंग में से बचे हुए कपड़े और गोटे हैं, और ये फेविकॉल। फेविकॉल लगाने के लिए एक टूथब्रश लिया है मैंने। ये कुछ बचा हुआ सामान मेरे पास है, जो मैं इन टंकियों के ढक्कन पर यूज़ करूँगी। ये सामान में आई हुई फोम है, और ये प्लास्टिक की ग्रीन ग्रास मैंने अपनी वीडियो माय बेस माय रिस्पॉन्सिबिलिटी में इको ब्रिक से स्टूल बनाना सिखाया था, उस पर ये लगाई थी। इसका ये बचा हुआ पार्ट है, जो मैं इस छोटी टंकी के ढक्कन पर लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने लहरिए के कटे हुए पार्ट को हटाकर इन टंकियों के ऊपर चिपकाने के लिए इनके नाप के पीसेस काट लिए हैं। अब मैं आपको एक टंकी पर इसको चिपका कर दिखाती हूँ। टूथब्रश में फेविकॉल लेकर और इस तरह से टंकी पर लगाएंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े पार्ट में लगाकर आप कपड़ा चिपकाते जाएंगे। ये किनोर वाला भाग है, वो हम नीचे की साइड रखेंगे और ये इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए, ये चारों तरफ से अच्छे से चिपक गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, जिससे कि छोटा नहीं पड़े। अब मैं इस कपड़े को भी उल्टा करके वापस यहीं चिपका दूंगी। इस तरह से किनारे पर फेविकॉल लगाएंगे और इसको इस तरह से मोड़ कर और चिपकाते जाएंगे। ये देखिए, मैंने चारों तरफ किनारे पर इस तरह से लगाया है कि इसकी किनोर पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जिससे गर्मियों में पानी भरने में इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से मैं सारी टंकियों पर लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सारी टंकियों पर लहरिए का कपड़ा चिपका दिया है। ढक्कन को डेकोरेट करने के लिए फोम के ऊपर इस तरह से ढक्कन रखें और चार उंगल बड़ा गोला बनाकर इसे काट लें। ये देखिए, मैंने काट कर रखे हुए हैं। बड़ा काटने का पर्पस ये है कि ये ढक्कन दिखेगा नहीं और देखने में सुंदर लगेगा। आपके पास फोम नहीं हो तो आप इस तरह से टॉबिल या कोई मोटा कपड़ा लेकर इस तरह की तीन तह बनाकर गोलाई में काट लें, इससे थोड़ी मोटाई बढ़ जाएगी। इसी तरह से मैंने ये पतली फोम थी उसकी चार तह ली हैं। फोम काटने के बाद आप चुंदरी का कपड़ा भी गोलाई में काटें,
पर वो फोम से इतना बड़ा रखें कि आपका ये जो कपड़ा है वो अंदर की साइड इस तरह से चिपक जाए। और ये देखिए मैंने छोटी टंकी के लिए ग्रीन ग्रास भी काट लिए है। देखिए मैंने चुंदरी के कपड़े में से फोम से कुछ बड़े गोले काट लिए हैं, और जो मैंने 3-4 परत ली थी उसमें स्टेपलर से स्टेपल कर दिया है जिससे ये अलग अलग सरके नहीं। इसमें इस तरह से गोलाई में और बीच में ग्लू लगाकर बाद उल्टा करके और कपड़े को इस तरह से खींचकर इकसार कर दें। उसके बाद इस तरह से दबा दें जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद फोम पर थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर इस कपड़े को ऐसे चिपकाते जाएं। इसी तरह से चारों तरफ चिपका देंगे। ये देखिए मैंने चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर इस कपड़े को चिपका दिया है। अब इस कपड़े के किनारे पर भी ग्लू लगाकर और इसको इस तरह से चिपका देंगे, और ये प्लेट्स बन रही हैं उन पर भी थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से ये चिपका के रखे हुए हैं। इस तरह से ये ढक्कन के ऊपर फिक्स करने के लिए गद्दियाँ तैयार हो गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा गंदा सा क्यों छोड़ा है। ये मैंने इसलिए छोड़ा है कि मैं इधर फेविकॉल लगाऊंगी और इधर फेविकॉल लगाऊंगी तो ये इसके ऊपर चिपक जाएगा और अंदर चला जाएगा। ये देखिए ढक्कन पर ये गद्दी चिपकाने के लिए ये बीच वाले पार्ट में अच्छे से फेविकॉल लगा दें, और ये किनारों पर भी फेविकॉल लगाएं। फेविकॉल अच्छे से लगाएं जिससे बाद में ये हटे नहीं। अब इस ढक्कन को उठाकर इस पर उल्टा रख देंगे। ढक्कन उल्टा रखने के बाद इस पर कुछ वजन रख देंगे जिससे कि ये चिपक जाए। देखिए टंकियों के ढक्कन और टंकियां लहरी और चुंदरी से तैयार हो गई। अब इन पर मैं ये लेस और गोटा लगाकर डेकोरेट करूंगी। और ये देखिए ग्रीन ग्रास वाली टंकी, अब मैं इस टंकी पर गोटा लगाने जा रही हूँ। ये देखिए ये मैंने ग्लू गन से थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट बनाए हैं और इस गोटे को मैं ऐसे चिपका दूंगी। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। इसी तरह से ग्लू लगाकर पूरी टंकी पर लगा दें। देखिए ये ऐसे तैयार हो गई। अब मैं ऐसे करके इस पे क्रॉस बनाऊंगी। ग्लू लगाते समय ध्यान रखिए ये गर्म होता है, उंगली पर टच ना हो, नहीं तो ये उंगली पर चिपक जाता है। ये देखिए मैंने पूरे में लगा दिया है। आप ग्लू लगाते समय ध्यान रखें कि पहले थोड़ा ग्लू लें और फिर चिपकाएं, क्योंकि मैं पूरा नीचे तक ले रही थी तो ये ठंडा होने की वजह से अच्छे से नहीं चिपक पाया। ये ग्रीन कलर की गोटे की लेस है मेरे पास, इसके ये जो जॉइंट हैं उन पर इस तरह से चिपका दूंगी। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ग्लू लेके चिपका रही हूँ जिससे ये ढंग से चिपक जाए। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर नीचे की साइड लगा देंगे। ये देखिए मैंने नीचे ऊपर दोनों तरफ लेस लगा दिए, और ऊपर की साइड लेस मैंने थोड़ा नीचे से लिए, इसके अंदर जाने पर ये लेस दिखती नहीं इसलिए मैंने थोड़ी नीचे ली है। अब मैं इनके बीच में एक एक फूल लगाऊंगी। ढक्कन को डेकोरेट करने के लिए मैं ये लेस लगाने जा रही हूँ। इस लेस पर थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर मैं इस तरह से इसके चारों तरफ चिपकाती जाऊंगी जिससे ये रानी कलर का कपड़ा नीचे लटकता हुआ सुंदर लगेगा।
थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाएं क्योंकि ये ठंडा होने पर फिर चिपकता नहीं है। इसी तरह से मैं सारे ढक्कनों पर ये लेस लगा लूंगी। करने के बाद देखें कोई कमी लग रही हो तो आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये नीचे का पार्ट कुछ खाली खाली लग रहा है तो मैं इस जगह एक एक फूल और चिपका रही हूँ। ये देखिए राजस्थानी थीम के अनुसार कितना सुंदर स्टूल बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको सारी टंकियाँ तैयार करने के बाद दिखाती हूँ। चुंदरी, लहरिया और गोटा पत्ती से तैयार होकर ये टंकियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। अगर आपके पास टंकियाँ नहीं हैं तो आप पेंट की खाली बाल्टी को भी डेकोरेट करके इस तरह से बना सकते हैं। घर में जगह की कमी होने पर आप सेंटर टेबल और स्टूल के रूप में काम में ले सकते हैं। इनमें सामान भी स्टोर हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेंगी। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीक में एक दिन ही सही अपने गार्डन में परिजनों के साथ प्रकृति के बीच में बिना मोबाइल के कुछ समय अवश्य बिताएं। धन्यवाद।